run. कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बट हम लोग की सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू। फाइनली हमारी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू आ चुका है। जाकर फटाक से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, इसलिए जाकर लाइक और सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए तो हम लोग आज अपना सर्वाइवल सीरीज की पार्ट टू लेके आ चुके हैं और आज हम लोग लिए कुछ अमेजिंग चीजें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा विलेज और हमको पिछली बार एक विलेज मिला था जिसमें अपन ठाकुर रुक गए थे। वो डैमेज हो रहा है। तो गाइस ये देखो, ये उसका पहाड़ है। मैं ऊपर पहाड़ चढ़ा था कि मुझे अपने घर के लिए जगह ढूंढने का था, लेकिन मुझे जगह कुछ खास तो लगी नहीं। ओ देखो, यहाँ पे कुछ अपना ऐसा विलेज है। ये देखो, नीचे साइड में विलेज है, बस इसमें ब्लैक स्मिथ नहीं है। वो देखो, वही दिखाना चाहता था मैं, एमरल्ड का। और वो वीडियो में आया था, लेकिन मैं जब एडिटिंग कर रहा था, मुझे जब दिखा था मुझे मालूम नहीं था। तो गाइस, क्या हम लोग इधर से नहीं, क्या हम लोग वाटर में कूद सकते हैं? हाँ, नहीं तो बोलना ही नहीं, कूद जाएंगे आराम से। देखो, दो दो एमरल्ड की ओर है यहाँ पे। देखो गाइस, लिटरली ये मैंने खोदा है, पहले तो पहाड़ में धसे हुए थे। दो दो एमरल्ड की ओर भाई साहब, लेकिन मैं इसको अभी तोड़ने तो वाला नहीं हूँ। इसको मैं सिल्ट्रस मिलेगी जब अपने पास रखूंगा सजा के, और वो भी माउंटेन पे भाई। कोऑर्डिनेट की चूंगी इसकी, देखो नीचे जाए कोऑर्डिनेट के टाइम, इधर तो कम से कम फिर भी 64 कोऑर्डिनेट्स होंगे आई थिंक। पक्का नहीं पता मुझे। तो देखो, ये अपना प्यारा सा विलेज, बस इधर ब्लैक स्मिथ की कमी थी, लेकिन अपने वो नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता अपने को, कुछ आयरन, लेकिन हम लोग ने तो लगभग अपना आयरन का आर्मर ही बना लिया। बस हेलमेट बाकी है और एक आयरन बचा है। तो गाइस, जैसे फाइनली अब अपने को शील्ड वगैरह थोड़ी बहुत बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑल तो मुझे चाहिए थे आयरन, और मैंने शायद से आयरन लाए थे, नहीं। और ये लिटरली मैं अभी अपना घर खो गया था। मैं भी कुछ काम, मैं आयरन ढूंढने बाहर गया तो मैं अपना घर ही घूम गया था, और मुझे आयरन तो मिले नहीं, लेकिन मुझे दो रात ऐसी बीत गई मेरी। आई थिंक यहाँ पे आयरन मिल जाए, प्लीज़ आयरन, ईरान आयरन। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। आयरन भाई साहब, आयरन मिलते हैं, लेकिन ये केव में जाना मतलब मौत को बुलावा देना। एक तो मेरे पास वाटर रॉकेट भी नहीं कि एमएलजी कर के नीचे कूद जाऊँ, डैमेज ले लेके जाना पड़ता है। बस खाता हूँ शायद, मेरे ब्रेड कर गए पूरे। थोड़ा अपने विलेज में बहुत सारी हेबल है। कोबल स्टोन क्यों लग रहा है? ओ भाई, जॉम्बी लोग की आवाज़ आ रही है। ए, मिल जा आयरन, मिल जा आयरन। ओ स्पॉनर, आई थिंक गारंटेड स्पॉनर, लेकिन मैं तो खोदने नहीं वाला अभी। ब्रो कोई आना मत पीछे से धक्का देने। स्पॉनर मिल गया। ओ आई स्पॉनर, आई थिंक ओ आई हट स्केलेटन स्पॉनर, आई थिंक पैक करो पहले इसको। यार इधर आयरन क्यों नहीं है? लेकिन मगर क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों धोखा होता है? मेरे को स्पॉनर मिल गया, मैं आयरन लेना है तो, लेकिन आयरन नहीं मिला ना भाई, आयरन नहीं मिला। मैं गरीब हूँ। भाई मैं बहुत सारा घूम के आ गया, लेकिन ये वाली केव तो अंदर तक के छान ली, लेकिन इधर तो आयरन नहीं था। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? मैंने तो सुना था 1.8 में आयरन मिलना इजी होगा, ये यहाँ पे तो उल्टा और हार्ड हो रहा है। भाई मैं चाहता तो खामने आयरन दिखते थे ब्रो। टॉर्चे भी खत्म हो रही है मेरी। अरे यार ये सम, ओ भाई 1.18 इसको बोलते हैं गाइस, 1.18
भाई गया ना नीचे, हड्डियाँ भी नहीं वापिस आने वाली मेरी। अरे यार रात हो रही है, आई थिंक मैंने बेड लाया हूँ। ओ भाई साहब चलो सो जाते हैं पहले, अपन इधर अपना बोरिया बिस्तर डाल के। फाइनली हमारी 8 रात फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मेरे पास स्टिक हो प्लीज प्लीज। ओ भाई स्टिक है थोड़ी सी, इससे अपन अपने लिए वो बना सकते हैं, बस कोल भी होगा। हाँ है तो सही, फिर मैं कोल भी जमा कर रहा हूँ। फटैक से अपन अपने लिए कुछ टॉर्च बना लेते हैं, 12 टॉर्च बन गई। तो बस मेरे को ऐसा कुछ तो आयरन मिल जाए, नहीं भी तो 3 से 4 मिल जाए उसमें कुछ हो जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ भी आयरन नहीं है किधर, बुरा लगता है सब भाई, क्या बोलू मैं अभी, लिटरली सही में आयरन नहीं है यहाँ पे। वीडियो तो बहुत बड़ी होने वाली है आज की शायद से, डीप स्लेट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, छोड़ अच्छे तो, लेकिन इससे लावा फार्म बनता है मैंने सुना है। क्या कर रहा हूँ मैं, अपने रास्ता ही बंद कर रहा हूँ। गाइस आयरन तो मिला नहीं, अब घर पे चलते हैं। वाओ आज हम लोग ने बहुत सारी चीज ढूंढ ली भाई, आयरन नहीं मिल रहा डायमंड कैसे मिलेगा। ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ आज, मैं फटाक से बाहर निकल के आपको मिलता हूँ। गाइस मैं जा रहा था लेकिन मैं एक बात भूल गया कि स्पॉनर के अंदर 2 चेस्ट रहती है, चेस्ट में क्या मिलता है सामान, बस आई होपफुली आयरन मिल जाए। भाई आयरन मिल जाए बस, मेरे को कुछ भी करके वो स्पॉनर ढकने का, इसकी भैंस की टांग। लड़ो लड़ो तेरी तेरी तेरी, कैसे लड़ना भाई, ये तो मार देगा मेरे को भाई, फटैक से अंदर जाता हूँ मैं। ओ भाई चलो आओ फाइनली, बे तू ही रह गई थी मेरे पास। ओ भाई 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 देखो, 2 चेस्ट है आई होपफुली आयरन मिल जाए। आयरन धू वाटर बकेट भी, ओ भाई गोल्डन एप्पल, गन पाउडर भी है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। वाटर बकेट मिल गई जो मैं क्राफ्ट तो करना ही पड़ता था। बीट रूट सीड मिली है, कॉबल स्टोन ये तो मेरे ही होंगे। हड्डियाँ मिली है कुछ इधर, अबे भाई एक आयरन मिला यार, क्या हो रहा है ये। चलो स्वॉर्ड बन जाएंगी मेरी, गोल्डन हॉर्स आर्मर, ब्रेड मिल गई, और क्या काम का है, बस अभी स्पॉनर तोड़ दो मजाक कर रहा हूँ, स्पॉनर तोड़ दो भाई इतनी सारी चीजें मिल चुकी है हम लोग को भाई, आज तो माला माल हो गए। गोल्डन एप्पल अंदर रखो भाई, सैडल भाई मेरे पास सैडल, अच्छा सैडल कब आया मेरे पास, चेस्ट के अंदर सैडल था मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने उठा लिया बस। गाइस फाइनली इधर अपने एक्सपी फार्म बनेगा आगे चल के, देखो एक्सपी फार्म बनाना आता है, देखेंगे अपन पूरी कोशिश करेंगे एक्सपी फार्म बनाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी चलते हैं अपन ऊपर विलेज में, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को, चलिए चलते हैं। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ अपन अपने लिए खूब सारे फार्म्स बनाते हैं, क्या बोलते हो, फार्म्स बनाएंगे मजाक करेंगे। गाइस हमारे पास कौन कौन सी सीड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास है पोटैटोस है, उसका एक फार्म बन जाएगा, बीटरूट का एक बन जाएगा, गोल्डन एप्पल का एक बन जाएगा, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, गोल्डन एप्पल का, अरे मैं गोल्डन एप्पल बस बीटरूट का ही चाहिए, अति से वीट चाहिए अपने को,
और एक शुगर केन का बना लेंगे जो कि यहीं पर ही पड़ी हुई थी, और शुगर केन का भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक वो वीट सीड चाहिए, सॉरी सीड चाहिए, सीड स्टोन। अपनी एक इन्वेंट्री स्लॉट खाली करता हूँ और होल फेंक देते उधर, तो उधर खूब सारा। बे यार मेरे को ज़्यादा सीड लगेंगे यार, क्या करूँ मैं। अरे यार एक तो हंगर की अलग प्रॉब्लम हो रही है। इधर ऐसी ये गया अपना पानी, सीड मिली, ये हो गई एक, बस एक ही, बस हो गया, निकल गई हवा। दो दो सीड में अपना क्या होगा, खा लिया। तो गाइस रात हो गई और मैंने 9 सीड कलेक्ट कर लिए, इतने सारे सीड। कोई विलेजर ट्रेड करे वहाँ पहले सो जाते हैं स्टॉल अपने अपुन, नेक्स्ट डे और सीड कलेक्ट करेंगे। गाइस मैं ऐसे चायरन लेने आया तो देखो मेरे को क्या मिला, लिटरली एक और एमराल्ड का ओर भाई, 1.17 में भाई कितना रेयर था। और ये क्या हो गया, क्या छर्रा क्या, ये 4 और हो गए अपने पास, बस सीड टच की कमी है। मैं आयरन लेने इसलिए आया था क्योंकि मेरी पिकेक्स, ओ भाई मैं अभी तोड़ देता था, लगभग लगभग टूटने वाला था। मेरे पास 13 सीट फिलहाल के लिए तो हो चुके हैं, इतने में भी फार्म बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। तो चलिए चालू करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे पास 20 सीट हो चुके हैं गाइस, और हम लोग हमारे लिए खेत के लिए जगह ढूंढने जा रहे, और जगह मिल गई। इधर अपना खेत बने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको पूरा क्लियर करने वाला हूँ, तो दम बड़ा दम गिनीज बुक में नाम आएगा उसका, माइनक्राफ्ट बिगेस्ट खेत फार्म। अभी फटाक से मैं क्लियर करके आप सभी को मिलता हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखो अभी मेरी मैंने होई भी और शवल भी बना लिए आयरन की, देख सकते हैं जैसे कि आयरन की शवल है। माय गॉड मैंने आयरन की शवल बनाई, यहाँ पे अपना अनलिमिटेड सोर्स भी रखा है। इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, अच्छा हाँ एक जगह पे पानी डालते हैं और फटाक से खेत बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
Mm-hmm.